जनाब सभी को अस्सलाम वालेकुम। मैं अताउल्ला खान, आपका भाई, आपका अपना, और आज श्यालावास दोसा जिला जेल से मेरी आज रवानगी हुई है, और इंशाअल्लाह ताला मैं आज अभी रास्ते में हूँ, और कहीं रास्ते में अभी थोड़ा रुकना भी है, नमाज भी इंशाअल्लाह ताला पढ़नी है, और नमाज के बाद फिर हम विचार करते हैं, और खाना वाना खाने के बाद में हो सकता है हम सुबह के लिए तैयारी करें। सुबह 11 बजे का ही रखते हैं। हाँ हाँ सुबह 11 बजे अपन घाटाकट पे सभी को आना है, और सभी से मेरी तमन्ना भी है कि मैं थोड़ा रूबरू मिलूं, और सभी से रूबरू मिलकर मैं अपना विचार साझा भी करना चाहता हूं, और अपने भाइयों से रूबरू मिलकर थोड़ा आगामी जो 5 साल का पैमाना आपके सामने है ना अपने के लिए, उसके बारे में भी हम आपसे कुछ चर्चाएं करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए इस युद्ध में जरूर सफलता मिली है, लेकिन इतना हो सकता है कि आपका भाई आपके बीच नहीं रहा, और मेरे जो नौजवान तबके ने जो कामा विधानसभा की हमारी जो संघर्ष समिति ने जो ताकत दिखाई है अपनी, और इस ताकत के साथ साथ जो यहाँ बदलाव आप और हमारे बीच में हुआ है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है, और उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो मेरे नहीं होने पर भी आप लोगों ने अपने पुरजोर तरीके से अपनी ताकत को दिखाया है, और जो सत्ताधारी थे उन लोगों के जो गलत कार्य थे, उन कार्यों के खिलाफ आप लोग डटकर खड़े रहे, और डटकर खड़े होने पर आप लोगों के लिए सफलता मिली, और इंशाअल्लाह ताला परमात्मा ने चाहा और अल्लाह पाक ने चाहा तो 5 साल का सफर आपका और हमारा सबका साथ रहेगा, और किसी से घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। चाहे थाने का काम हो, चाहे बिजली विभाग का हो, चाहे पंचायत समिति का हो, चाहे तहसील का हो, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपके समय समय पर काम होंगे, और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको आएगी तो आपका भाई आपसे पहले गर्दन कटवाने के लिए तैयार है। आपको जेल नहीं जाने दूंगा, तुमसे पहले मैं जाऊंगा, जहां भी जाऊंगा, लेकिन आपका अपमान नहीं होने दूंगा। ये तय है कि आपका अपमान नहीं होने दूंगा इंशाअल्लाह ताला। इसलिए मैं कम बात करके इस बात को अब बाकी जो है हमने कल करनी है बातें, और कल मैं आप सबके बीच रहूंगा और फिर अपनी बात को रखूंगा। और जो नौकसम चौधरी जी, बहन नौकसम चौधरी जी, जो यहाँ से उन्होंने सफलता प्राप्त की है, वो बहुत बहुत अग्रिम उनके लिए बधाई, और उनके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत दुआएं, और जो बाकी और लोगों ने जो काम किया है वो उनके लिए अल्लाह पाक ने जो किया है अब तक वो ठीक किया, और जो मेरे साथ हुआ वो अल्लाह की तरफ से ठीक हुआ, और मुझसे जो पहले हुआ वो ठीक हुआ, और अब जो होने जाएगा 5 साल के लिए वो ठीक होने जाएगा। अल्लाह का बुरा किसी के पास नहीं झिलता है, अल्लाह पाक जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, और जिन लोगों ने अच्छी तरह से प्रयास दिखाए, पूरी ताकत दिखाई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने 5 साल तक सत्ता के लालचियों ने, सत्ता के जो लोग लालची थे, स्वार्थी थे, सत्ता के चाटुकार थे, सत्ता के जो चटपटे लोग थे, सत्ता का टेस्ट चाखने के लिए जिन लोगों ने 5 साल तक अपनी जनता पर ध्यान नहीं धरा था, उन लोगों के लिए जो ये आज लोगों ने अपना प्रमाण पत्र दिया है, वो अपने आप में एक बिल्कुल रिकॉर्ड है, और इस रिकॉर्ड को यहाँ की जनता भी नहीं भूल पाएगी, और मेरे हिसाब से नेता भी नहीं भूल पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। चालू है ना? हाँ चालू। और लोकेशन कल इरफान का पेट्रोल पंप घाटा बसी 11 बजे मैं आ रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर रहेंगे, और मैं आप सबके साथ चलूंगा इंशाअल्लाह ताला कल, और शांति के साथ आए, किसी से भी कोई बदतमीजी नहीं करे, और बिल्कुल किसी की गलत पोस्ट मत डालो, कोई गाली गलो